प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती सोमवार को कमलपुर स्थित नगर पंचायत अध्यक्ष निर्मल कुमार झा के निवास पर सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम के अटल जी के चित्र पर पुष्प डालकर अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष निर्मल कुमार झा, नगर महामंत्री विपुल कुमार, जिला उपाध्यक्ष तथा मुख्य अतिथि राजेश्वर विश्वास, नीकू झा, अर्जुन गुप्ता, राजकुमार और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अटल बिहारी वाजपेयी का अपना जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कुछ? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 99वीं जन्म जयंती है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं जो भी समाज में उनको चाहने वाले लोग हैं उन्हें याद करते हैं। उनकी कार्यशैली, विरोधियों ने भी हमेशा उनको सम्मान के दृष्टिकोण से देखा, हमेशा उनकी बातों को सोचने समझने का प्रयास किया और वे राजनेता ही नहीं बहुत बड़े कवि भी थे। अपनी बात को कविता के रूप में अनेकों बार संसद में उन्होंने रखा है। हम लोग उनके पथ पर चलने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का हमेशा काम किया है। हम कार्यकर्ता उनके जीवन चरित्र को देखते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे समृद्ध भारत बने, वैभवशाली भारत बने, विश्व गुरु भारत बने। भारत माता की जय। तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है आपको? हम लोग बूथ स्तर पर पहुंचे हुए हैं और हम लोगों का लक्ष्य है 400 के पार, 400 सांसद हम लोग लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, 400 से ज़्यादा पूरे भारत में। आम आदमी जो पूरा जोश के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, सभी इनका जो निर्णय है, सारे निर्णय इनका जो है बहुत ही अच्छा है। जो एक मजदूर भी को भी पूछा जाता है तो गौरव के साथ कहता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। और विदेश जो हमारा दुश्मन पाकिस्तान है वहाँ का भी नागरिक कहता हमको नरेंद्र मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो अब क्या कह सकते हैं, अटल जी के आप लोग जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अटल जी हमारे बीजेपी पार्टी के नहीं पूरे देश के नेता हैं, नेता थे, और वर्तमान में उनका जितना क्रियाकलाप किया हुआ है वह अद्वितीय है। चारों बहार नगर को जोड़ने का काम अटल जी के ही समय में किया गया था। वे प्रखर नेता थे और हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहे, कराते रहे बराबर। उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। जयंती के शुभ अवसर पर आप देशवासियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं देशवासियों को सब से यही निवेदन करता हूं कि अटल जी के पथ पर चलने का हम लोग भी प्रयास करें, जिससे उनके आत्मा को संतुष्टि मिल सके। आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी चल रही है और क्या लग रहा है 2024 चुनाव को लेकर? मेरा पार्टी जो भाजपा पार्टी है बूथ स्तर तक पहुंचा हुआ है, बूथ स्तर तक उनका कार्यकर्ता है। हम लोग इस बार 4 से प्लस जाएंगे। इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि 40 सीट जो है जीतने के दावा कर रही है, क्या लग रहा है आपको? वो बोलने में कुछ लगता थोड़े है। एनडीए का अभी अपना दल में ही नॉट फुट हो गया है, जब देख ही रहे हैं नीतीश जी मीटिंग से भाग जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ कुछ रोया हुआ थोड़े है, सब कुछ है। क्या लग रहा है आपको 2024 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? अपार बहुमत से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। पिपरा प्रखंड वासियों के लिए आप क्या कहेंगे? पिपरा प्रखंड वासी 2024 के लोकसभा, अब उसके बाद 2025 के विधानसभा में भी हम लोग जीत करेंगे, यहाँ से जीतेंगे। आपका परिचय? मैं रायसक प्रसाद विश्वास, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुपौल।